नमस्कार ओम शांति, आप देख रहे हैं पीस न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड के रांची में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बीके निर्मला ने की मुलाकात, ईश्वरीय ज्ञान चर्चा के साथ भेंट की सौगात। भारतीय फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात, संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का दिया शुभकामना संदेश, माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व यादगार दिवस पर कार्यक्रम, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों की आत्मशांति के लिए किया योग। नेपाल के विराटनगर सेवा केंद्र ने रक्तदान शिविर में आयोजित कर मनाई 50वीं वर्षगांठ, संस्थान के सदस्यों ने किया रक्तदान। उत्तराखंड में रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आदर्श शिक्षक विषय पर सम्मेलन, अपने आचरण से श्रेष्ठ शिक्षा देने वाले ही आदर्श शिक्षक। बिहार के समस्तीपुर में समाधान पाएं खुशियां मनाएं विषय पर विशाल कार्यक्रम, राजयोगी बीके सूरज ने समस्या को समस्या समझना ही बताया सबसे बड़ी समस्या। और जर्मनी के बॉन में COP23 के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्थान के सदस्यों ने लिया कई सम्मेलनों में हिस्सा, जलवायु परिवर्तन के लिए दिए समाधान। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के रांची में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हरमू रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बीके निर्मला ने ईश्वरीय ज्ञान चर्चा कर ईश्वरीय सौगात भेंट की, संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। वहीं कोविंद जी ने बीके सदस्यों से मिलकर खुशी जाहिर की और संस्थान की गतिविधियों के प्रति आभार प्रकट किए। रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय प्रवास पर झारखंड के रांची आए थे। भारतीय फिल्म जगत में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मुंबई के माटुंगा वेस्ट की प्रभारी बीके वंदना, पारेल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर मुलाकात की। इस दौरान बीके वंदना ने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी और महाराष्ट्र जोन की निदेशिका बीके संतोष की ओर से भेजा गया शुभकामना संदेश उन्हें दिया। साथ ही परमपिता परमात्मा शिव का परिचय और उनके द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग की जानकारी दी। इस पूरी मुलाकात के दौरान संस्थान के संपर्क में रहने वाली वोडाफोन में मुंबई एरिया में स्ट्रेटेजी और आर्किटेक्चर की वाइस प्रेसिडेंट अंजना हिमालयन और उनके पति आईएएस ऑफिसर राहुल हिमालयन भी मुख्य रूप से मौजूद थे। लोगों की एक लापरवाही उनसे जुड़े कितने लोगों को बेसहारा बना देती है, वो दुर्घटना उन पर विपदाओं के पहाड़ टूटने के समान होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़क दुर्घटना में मौत के मुंह में लगे लोगों की, जो प्रतिवर्ष अधिक गति से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने व गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने की वजह से दुर्घटना के शिकार होते हैं। ऐसे पीड़ितों की याद में आयोजित विश्व यादगार दिवस पर छत्तीसगढ़ में रायपुर के शांति सरोवर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की क्षतिपूर्ति तो इंश्योरेंस द्वारा हो जाती है, लेकिन शारीरिक क्षति की भरपाई कैसे होगी? ये बात अगर वाहन चलाने वाले की बुद्धि में हो तो वो वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं करेगा। इन्हीं कुछ बातों की जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आईं केंद्रीय नीति आयोग की सदस्य शताब्दी पांडे ने कहा, आज ज्यादातर दुर्घटनाएं युवाओं द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हो रही हैं, जिसका प्रमुख कारण बच्चों में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का अभाव होना है। मैंने पिछले दिनों 3 वर्ष तक बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए बच्चों के बीच काम किया, पुलिस वालों के बीच काम किया, सड़क में हो रही बच्चों की दुर्घटनाओं और बच्चों को किस प्रकार से पुलिस के द्वारा यातना प्रताड़ना दी गई, उन केसेस को मैंने बहुत बारीकी से देखा। तो मैंने पूरा अध्ययन करने के बाद यही देखा कि कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा देने में हमारा देश और हम सब कमजोर पड़ गए। इसमें बच्चों की गलती नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमें जो शिक्षा मिली थी, लेकिन आज जो बच्चे हमारे सामने हैं उनको क्या हम वो चीज़ दे पा रहे हैं, क्या वो वातावरण दे पा रहे हैं? आप जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं देखते हैं उसमें अमूमन किसी न किसी युवा के द्वारा गलत तरीके से चलाई गई दोपहिया वाहन की वजह से बाकी दूसरों के साथ दुर्घटनाएँ होती हैं। साथ ही मुख्य वन संरक्षक जगदीश प्रसाद चंद्राकर ने कहा, सुरक्षित यात्रा के लिए मानसिक एकाग्रता बहुत जरूरी है, जो कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से ही संभव है।
वहीं रायपुर के क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने सभी को विश्व शांति के लिए रोजाना कुछ समय निकालकर शांति के वाइब्रेशन फैलाने की अपील की। रूहानी यात्रा भी हम जब करते हैं वो हमारा महत्वपूर्ण उसमें अर्जन होता है एकाग्रता स्व स्थिति में मजबूती का, और यही स्व स्थिति में मजबूती ही हमको लौकिक यात्रा में बचत के लिए बचाव के लिए मदद करता है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है शांति की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति है, तो वो शांति की शक्ति आज इस सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको हम देंगे, उसके लिए अच्छा सोचें, शुभकामना रखें, उसके लिए सबका भला हो, सब सुख पाए। कार्यक्रम के अंत में सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों की आत्म शांति व उन्हें बल प्रदान करने के लिए मेडिटेशन किया गया। नेपाल में विराट नगर सेवा केंद्र ने अपनी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी में मोरंग जिला सभापति सुबोध कुमार सिंह, पूर्व उप सभापति प्रेम पराजुली, मीना जोशी, विराटनगर क्षेत्र की प्रभारी बीके गीता समेत अनेक गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। शिविर के दौरान अनेक बीके सदस्यों ने रक्तदान किया, जिसे देखकर सुबोध कुमार ने कहा कि हमारी संस्था लोगों को शारीरिक लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान लोगों को मानसिक के साथ साथ शारीरिक लाभ पहुंचाने का भी कार्य कर रही है, वो अत्यंत सराहनीय है। वहीं प्रेम पराजुली ने भी कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अंत में बीके गीता ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए भविष्य में आयोजित कार्यक्रम में सहभागी बनने का भी आग्रह किया। रक्तदान जीवन दान हो, वास्तव में रक्त को कमी मानव तक मरिराखे होने इस ब्लड डोनेशन ने इस कार्य में धीरे धीरे सहयोग पुर्या, तसर्थ यह महान दान मान, तसर्थ हमीर इस प्रकार को सेवा कर पाँगा भित्र दिल देखने अतिशय खुशी। इसी क्रम में विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व विषय पर स्पीच कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं कक्षा के छात्रों ने भाग लिया। विराट नगर सेवा केंद्र द्वारा आदर्श माध्यमिक विद्यालय में इस प्रतियोगिता में बच्चों को भाषण करने के लिए कई विषय दिए गए, जिसमें बच्चों द्वारा दिए गए भाषण इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि देश का भविष्य अब संवरने वाला है। समाज में यदि गंदी शिक्षा का पाठ सबल पढ़ो न सके, हत्या, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार जैसे चीजें हटी रह जाती हैं, प्रति इसको सट्टा में शांति, सहयोग, भाईचारा जैसे चीजें बढ़ी रह जाती हैं, जिससे करता धनी नगरी बीच में रहे को खाड़ा कम भैरा समतामूलक समाज को निर्माण विभिन्न किसिम का चाल चलन नीति नियम अनुशासन धैर्यता विनम्रता जस्ता गुण सिकाउने शिक्षा नै नैतिक शिक्षा हो। आज का विद्यार्थी भनेको भोलि का देश का कर्णधार हुन्, भोलि को देश निर्माण का संभाग हुन्। आज का हरेक विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा को मूल्य र महत्व बुझाउनु आज को प्रमुख आवश्यकता हो। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर विराटनगर नर्सिंग कैंपस की प्रमुख भगवती कलिकोटे आदर्श माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य दुर्गा चूडल, प्राध्यापक गोविंद प्रसाद शर्मा, निर्मला कोयराला, डॉक्टर अजय भट्टाराय, बीके गीता, बीके फूल कमल मुख्य रूप से मौजूद थे। आफ्नो कारणले पाउँछ, कोही कसैले अरूले पीडा दिन सक्दैन, मानिसले पीडा पाउने आफ्नो सोच हो, त्यसैले आफ्ना व्यवहारलाई आफ्ना सोचहरूलाई सकारात्मक बनाऊ, समृद्ध बनाऊ, जसले गर्दा हामीले हरेक क्षण अनुभव सुखको अनुभूति गर्न सक्नेछौँ र यो अनुभूति हामी सबै।
प्रतियोगिता में विजय बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं अंत में बीके गीता ने अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया। उत्तराखंड में रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आदर्श शिक्षक विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बी के भगवान ने आदर्श शिक्षकों के गुण बताते हुए कहा कि टीचर एक आचार्य है जो केवल पढ़ाने वाला नहीं लेकिन अच्छी शिक्षाओं को आचरण में लाने वाला होना चाहिए, क्योंकि टीचर के आचरण का प्रभाव हर बच्चे पर पड़ता है। ईक्यू, जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप हो, और जिसके अंदर ईगो है सब कुछ जानता हूं, मुझे पता है, मुझे सब कुछ, इसीलिए आज आईक्यू डेवलप किया स्टूडेंट लाइफ में, इसीलिए पूरा जीवन भर में आज के लोगों में ईगो है, ईगो के कारण तनाव टेंशन। सम्मेलन के दौरान सीबीआरआई के निदेशक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार अग्रवाल, डॉक्टर आभा मित्तल, सिंचाई विभाग के इंजीनियर बी के लक्ष्मी चंद समेत अनेक शिक्षक उपस्थित थे। श्रेष्ठ समाज के निर्माण में पत्रकारों के महत्व विषय पर छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में पत्रकारों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर से आए मूल्यानुगत मीडिया एवं राजी खुशी के संपादक प्रोफेसर कमल दीक्षित, दैनिक दावा के संपादक दीपक बुद्धदेव, अमर छत्तीसगढ़ के संपादक सीएल जैन, अमृत संदेश के राजेंद्र व्यास, पत्रिका समूह से अतुल श्रीवास्तव, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के पुष्पा एवं मीडिया जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। वरदान भवन पर हुए इस कार्यक्रम में प्रोफेसर कमल दीक्षित ने कहा कि यदि मीडिया कर्मियों के जीवन में आध्यात्मिकता आ जाए तो वह मनोबल के साथ हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। साथ ही अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि सच्चाई व मर्यादा में रहकर भी हम अपनी बात समाज तक पहुंचा सकते हैं। वहीं अन्य पत्रकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नेपाल में बुटवल के साइना मैन मुर्गिया स्थित तालीमगन बेस कैंप में सेना के जवानों के लिए हैप्पी लाइफ और हेल्दी सोसाइटी विषय पर राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। बुटवल सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस शिविर में संस्थान के सदस्यों ने खुशनुमा जिंदगी के लिए हर परिस्थिति में सकारात्मक चिंतन करने की युक्ति बताई, साथ ही राजयोग मेडिटेशन को सकारात्मक चिंतन का साधन बताया। परिवारदेखि टाढा रहेर बस्दाखेरि अब निश्चय नै हामीहरूमा चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ पैदा हुन्छ, र त्यो स्ट्रेस पैदा भएपछि त्यो स्ट्रेसले गर्दाखेरि तनावले गर्दाखेरि त्यसले विभिन्न किसिमको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ निम्त्याउँछन्, र यो चिजहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ निर्मूल गर्ने, यसलाई कसरी इराडिकेट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न उदाहरणहरू चाहिँ दिएर चाहिँ ब्रह्मकुमार राजु घलेजीले चाहिँ करिब 2 घन्टाको धाराप्रवाह रूपमा चाहिँ प्रवचन दिनुभएको छ। इस दौरान आर्मी के 300 जवानों समेत बुटवल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमला, वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके नारायण, जितेंद्र गुरुंग मुख्य रूप से मौजूद थे। बिहार के समस्तीपुर में समाधान पाएं खुशियां मनाएं विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, डीएम प्रणव कुमार, न्यायाधीश सुभाष कुमार प्रसाद, एडीजे संजय कुमार उपाध्याय, राजयोग शिक्षिका बीके सविता एवं पूना से आए बीके संदीप सहित बीके बहने और नगर के बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बीके सूरज ने कहा कि समस्याएं कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही कमजोर मन की रचना है, समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने मन को सशक्त बनाकर ही हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं, इसके लिए सुबह उठते ही अच्छे विचारों से स्वयं को चार्ज करें और दिन भर में जो भी समस्याएं आए उन्हें परमात्मा को अर्पित कर दें, इससे जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा और परमात्मा पिता की मदद भी मिलेगी।
जीवन को खुशी के साथ उत्सव में बनाने के लिए यूपी के हरदोई में वहा जिंदगी वहा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके राधा, भोपाल के अरेरा कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रानी, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रोशनी समेत शहर के गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। रसखान ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके स्वामीनाथन ने कहा कि आजकल व्यक्ति के पास जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करने के बजाय जो नहीं है उसके लिए वह गुहार लगाता है। किसी कारण व्यक्ति जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहा, इसलिए हमारे पास जो भी है उसके लिए दिल से ईश्वर का धन्यवाद करें। इस दौरान GDC कॉलेज, SS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बीके ईवी स्वामीनाथन ने विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कई तरीके बताए, साथ ही मन को शांत और बुद्धि को एकाग्र रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने की अपील की। उत्तराखंड के टेहरी में ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग के बीके संजीव, बीके ओंकार, बीके जयश्री, बीके रूपा ने CISF यूनिट के 100 जवानों को तनाव प्रबंधन, निद्रा प्रबंधन, रिश्तों में समरसता, सकारात्मक चिंतन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया। 2 दिन तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वक्ताओं ने तनाव भरे वातावरण में भी मन को कैसे शांत रखें इसकी विधियां बताई, साथ ही सर्व समस्याओं का समाधान राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया और जीवन शैली में जोड़ने की अपील की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कमांडेंट SS असवाल, असिस्टेंट कमांडेंट MP सिंह समेत कई अधिकारियों ने इस प्रकार के आयोजनों को सार्थक बताया। कहा जाता है मानव जीवन मन में चल रहे विचारों का खेल है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचार अच्छे बना ले तो दुख में भी सुख का अनुभव करता है, और इसके विपरीत यदि वह अच्छे स्थान व सुविधाओं में रहते हुए भी अपने विचार नकारात्मक बना लेता है तो वह व्यक्ति परेशान रहता है। मानव मन के इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को बताने के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सकारात्मक सोच द्वारा आंतरिक शक्ति के विकास विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से राजयोग शिक्षिका बीके रूपा एवं बीके संजू मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। होली क्रॉस कॉलेज में हुए इस कार्यशाला में बीके रूपा ने मन के विचारों का महत्व बताते हुए कहा कि जीवन में सकारात्मक सोच संजीवनी बूटी के समान है, क्योंकि व्यक्ति के अच्छे विचार ही उसे शक्तिशाली बना देते हैं और नकारात्मक विचार उसे कमजोर, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। कार्यशाला में कॉलेज के प्राचार्य तथा स्टाफ भी मुख्य रूप से मौजूद थे। यदि हम अपना थोड़ा समय ईश्वरीय सत्संग और अच्छे विचारों के चिंतन में लगाएं तो हम तनाव व अशांति से मुक्त रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के ओबदा में सोरो बालेश्वर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा नई गीता पाठशाला का शुभारंभ हुआ, जिसके उद्घाटन अवसर पर नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हरप्रसाद पंडा, ब्लॉक चेयरमैन निर्मला विश्वल, सरपंच डॉक्टर मधुसूदन, राजयोग शिक्षिका बीके शीतल, बीके मीना एवं बीके मिंती के अलावा अन्य लोग शामिल थे। इस अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाकर रैली निकाली गई, जिसमें बीके सदस्यों समेत अन्य लोगों ने शामिल होकर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागृति लाई। वहीं कार्यक्रम में बीके शीतल ने परमात्मा शिव द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि इसके अभ्यास द्वारा पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी नष्ट होते हैं, साथ ही हमारे व्यवहार में कुशलता आती है। हरियाणा के चरखी दादरी में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत व्यसन मुक्त चरखी दादरी विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथरस से आए बीके दिनेश, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं APS के प्रबंधक नवीन कुमार, राजयोग शिक्षिका बीके प्रेमलता, बीके पूजा एवं बीके प्रियंका मुख्य रूप से मौजूद थी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के द्वारा संस्थान के सदस्यों ने आदर्श सीनियर स्कूल एवं CSR सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को व्यसनों से होने वाले नुकसान बताए एवं जीवन को राजयोग के अभ्यास द्वारा मूल्यवान बनाने का आह्वान किया। वहीं नवीन कुमार ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। ऐसे ही DR के आदर्श विद्या मंदिर, मौरी के CBS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, HVM मॉडल स्कूल एवं हितकारी विद्या मंदिर में कार्यक्रम किए गए,
जहां प्रभाग के सदस्यों ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली हानियां बताते हुए कहा कि इनके सेवन से शरीर व मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत यदि विद्यार्थी नियमित अच्छे विचारों को व श्रेष्ठ कर्मों को अपने जीवन में संग्रहित करे तो एक अच्छे समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। जर्मनी के बॉन में COP23 सम्मेलन वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए कई मायनों में सफल रहा। वहीं दूसरी ओर यह ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के लिए भी एक अच्छा अवसर साबित हुआ। इस पूरे सम्मेलन में संस्थान ने कई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान नए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की लॉन्चिंग सेरेमनी में बीके जयंती, बीके गोलोपिल्स, बीके सोंजा और बीके अभिषेक शामिल हुए। इस दौरान भारतीय मंत्रालय में रेन्यूएबल एनर्जी के सचिव अनिल कुमार, पर्यावरण के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक उपेंद्र त्रिपाठी से उनकी मुलाकात हुई। बीके जयंती और बीके गोलो ने मुलाकात के दौरान उन्हें इंडिया वन प्रोजेक्ट की उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं बीके अभिषेक की मुलाकात पर्यावरण के जर्मन मिनिस्टर बारबरा हेंड्रिक्स से हुई। लॉन्चिंग सेरेमनी के पश्चात विजनरी लीडरशिप फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर विषय पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीके गोलो, बीके जयंती और बीके सोंजा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्लैनेट एज आर होम, विजनरी लीडरशिप कीप्स अ पॉजिटिव विजन ऑफ द फ्यूचर, चेंज फ्रॉम डिजायर एंड वॉन्ट्स टू नीड्स जैसे मुख्य बिंदुओं पर बयान दिए। इस दौरान बीके जयंती की मुलाकात पॉट्सडैम रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हंस जोआचिम शेलन हुबेर से भी हुई। अब इस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.gwspeacenews.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।